मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर देश भर में दुनिया भर में राजनीति करने वाले भाजपा के नेताओं ने दिल्ली पुलिस के जरिए कल देर रात जंतर मंतर पर जो किया वो सारी मर्यादाओं को लांघने का काम किया है। ये विश्व विजेता हैं, हमारी विमेन रेसलर्स देश की आन बान शान है और अपने हक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर करीबन दो हफ्ते से बैठी हैं, सिर्फ एक ही मांग को लेकर कि उनको इस देश में न्याय की उम्मीद है। लेकिन दुख की बात यह है कि भाजपाओं के नेताओं की फेयर लिस्ट बहुत लंबी है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, चाहे चिन्मयानंद की बात हो, साक्षी महाराज की बात हो, कुलदीप सेंगर की बात हो, और अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा के एमपी ब्रिजभूषण की बात हो। भाजपा का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा अपराधी को संरक्षण दी है और पीड़िताओं के ऊपर सवाल खड़ा किया है। ये कोई आम पीड़िता ही नहीं है, ये वर्ल्ड चैंपियंस हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। जब देश के लिए मेडल जीतती हैं, तो प्रधानमंत्री फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इन सबको बुलाते हैं, पूरा देश हंसता है, खिलखिलाता है। लेकिन आज उन्हीं बेटियों को, उन्हीं विश्व विजेताओं को कल रात मजबूर कर दिया गया आंसुओं के लिए। हमने ऐसा दृश्य पहले कभी सोचा भी नहीं था और इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि जंतर मंतर पे ऐसा भी दृश्य रात में कभी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और खासकर तब मैं अपने मीडिया साथियों से कहूंगी, और मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन पॉक्सो एक्ट के अंदर जो धाराएं लगती हैं, इतनी गंभीर धाराओं के बावजूद हमारे मीडिया के साथी उस अपराधी का सरेआम इंटरव्यू ले रहे हैं और वो सरेआम इंटरव्यू दे रहा है। अब तक तो उनका इमीडिएट अरेस्ट हो जाना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो भाजपा के एमपी हैं, क्योंकि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो मोदी जी और अमित शाह जी के करीबी हैं, तो उनको इस देश में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के लिए इम्यूनिटी मिल जाएगी। ये देश की बेटियां कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी कल गलती क्या थी। हम सब ने कल दिल्ली का मंजर देखा, जिस तरीके से बारिश हो रही थी, गद्दे गीले हो रहे थे, जंतर मंतर पे जहां वो बैठी हैं वहां गद्दे गीले हो रहे थे। अगर उनको कोई खटिया दे रहा है या कोई मदद कर रहा है, उसके नाम पर उनके साथ उस तरीके से बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, अमानवीय विहार करना, कपड़े फट रहे हैं, खदेड़ा जा रहा है, ये दृश्य दिल्ली के अंदर दिख रहा है जंतर मंतर पे विश्व विजेताओं के साथ। स्मृति ईरानी जी कहां है? स्मृति ईरानी जी से सवाल करना बड़ा जरूरी है। महिला बाल विकास मंत्रालय है उनके पास, उनकी ममता, उनकी करुणा, उनका लाड सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के ऊपर जब बात आती है तभी क्यों निकलता है? ममता के दो बोल इन देश की बेटियों के लिए अभी तक क्यों नहीं बोली है? क्या आपकी कोख से अगर कोई जन्म नहीं लेगा तो क्या उन देश की बेटियों के आप बोलेंगे नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि महिला मंत्री जब भी निकलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सिर्फ राहुल गांधी जी पे निजी कटाक्ष करने के लिए निकलती हैं, लेकिन देश की बेटियों के लिए, विश्व विजेताओं के लिए मौन धारण करके बैठे हैं। चुप्पी पर सवाल खड़ा होगा। आज मीडिया से भी एक सवाल करना चाहती हूं। इस पूरे प्रकरण में इतने दिन से धरना हो रहा है और गंभीर आरोप हैं
ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? सारे सवाल महिला खिलाड़ियों से ही क्यों किए जा रहे हैं? हमें उनका समर्थन करना होगा और देश का हर व्यक्ति उनका समर्थन करता है। हमें उनकी मदद करनी है ताकि कभी किसी और बेटी के साथ, कभी किसी और खिलाड़ी के साथ गेम के नाम पर, फेडरेशन के नाम पर शोषण नहीं किया जा सके। अनुराग ठाकुर जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अगर उन्हें पुशअप करने से फुर्सत मिल गई हो तो उम्मीद करते हैं कि वो इनकी बात सुने। जो कल रात हुआ जंतर मंतर पे उसका संज्ञान ले, ये जरूरी है क्योंकि पिछली बार उनके झूठे आश्वासन पर इन खिलाड़ियों ने अपने प्रोटेस्ट को रद्द कर दिया था, फिर से सिर्फ न्याय की उम्मीद पर। लेकिन वो न्याय अभी तक मिला नहीं है। एफआईआर दर्ज हो जाना, वो भी न्यायालय के निर्देशों पर एफआईआर का दर्ज होना, ये कोई विक्ट्री नहीं है। ये यौन शोषण का मामला है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं है। इस मामले पर इमीडिएट से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपनी आंखें और कान खोलने चाहिए। अब ये समय आ गया है कि ये देश तय करे कि उन्हें रेपिस्ट चाहिए या उन्हें मेडलिस्ट चाहिए। ये निर्णय लेने का समय आ गया है और आज अगर हम इसमें चूक गए तो कल जो हजारों और करोड़ों लड़कियां खिलाड़ियों को देखकर कहीं ना कहीं अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं, अपने घर की दहलीज पार नहीं कर पाएंगी और इन खेलों का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। तो इस मंच से यही कहना चाहूंगी अंत में कि हमें अब भी उम्मीद है कि बेटियों के साथ न्याय होगा, लेकिन हमें सरकार से उम्मीद नहीं है, हमें इस देश की कानून व्यवस्था से उम्मीद है। और हम मांग भी करते हैं कि कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष बने रहेंगे, जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं होगा, जब तक उनका अरेस्ट नहीं होगा, ये एफआईआर भी बेमानी है और आने वाली इन्वेस्टिगेशन भी बेमानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।